कर्नल अजय जी दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल ग्वार सीट को ही लेकर आ रहा है बिल्कुल अभी अभी। कर्नल अजय जी, हमने ग्वार सीट को ऊपरी स्तर से काफी नीचे जाते हुए देखा है, आपको क्या लगता है अब ऐसे कौन से फैक्टर्स बनेंगे, ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो ग्वार सीट को तेजी की ओर लेके जाएंगी? देखिए, ग्वार सीट के अंदर ऑलरेडी हम फंडामेंटल देखें और टेक्निकल देखें, तो ग्वार सीट के अंदर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बोरी की रिक्वायरमेंट होती है जी। और इस साल बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 25 से 30 लाख से ज्यादा बोरियों का उत्पादन है नहीं। और इसके अलावा जो ग्रोअर्स यानी किसान हैं वो भी बिल्कुल अपना माल छोड़ने को तैयार है नहीं जी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अच्छी क्वालिटी का ग्वार सीड उपलब्ध ही नहीं है। और जो ग्वार सीड बाजार में ज्यादा आ रहा है वो ब्लैक है, जो कि हल्की क्वालिटी का माना जाता है जी। तो इन परिस्थितियों को देख के मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हमें परेशान होना चाहिए। लेकिन एनसीडीएक्स पर जैसे कुछ ग्रुप्स भी काम करते हैं तेजी मंदी को लेके, जो कि तेजड़ी और मंदड़िए कहलाते हैं, बोल्टन बीएस कहलाते हैं, उनके बीच में लड़ाई चलेगी, कभी कोई जीतेगा और कभी कोई हारेगा। इसके पास अधिक पैसा होगा, माल क्रिएट करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, और जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो उसको होल्ड करके रखेगा। ग्राउंड रियलिटीज तो ये है कि किसान माल देना नहीं चाहता, और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में बाजार में है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बनाना और जबरदस्त तेजी मंदी लाना, लोगों के बीच में घबराहट पैदा करना, और ये सब व्यापारिक गतिविधियों का एक हिस्सा होती है। जिस प्रकार लड़ाई के मैदान के अंदर अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठे सच्चे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, एक दूसरे देश की जनता को बरगलाया जाता है, डिमोरलाइज करने का कोशिश किया जाता है, वैसा ही कुछ बाजारों में देखने को, कमोडिटी बाजार में भी देखने को मिलता है। विशेषकर ग्वार सीड के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है जी। बहुत से लोग अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बात कर रहे हैं, बातें फैला रहे हैं कि सारी मिले बंद हैं, कम बंद, बहुत ज्यादा मिल बंद हो चुकी हैं, रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ये ग्रुप कहता है। दूसरा ग्रुप कहता है कि बाजारों की डिमांड इतनी है, उत्पादन इतना है, और इसके ये रेट्स हैं कि जो जब एक्सपोर्टर अच्छा पैसा बना रहे हैं तो किसान अच्छा पैसा क्यों नहीं बनाए जी, छोटा व्यापारी अच्छा पैसा क्यों नहीं बनाए। जब अच्छा पैसा तो हो तो आपस में उस प्रॉस्पेरिटी है वो सबको बांटनी चाहिए। पिछले 10 साल से 12 साल से ग्वार को कोई पूछ नहीं रहा था, किसानों ने व्यापारियों ने स्टॉक रख के रखा 10-10 साल 8-8 साल। अब जब पैसा बनाने का टाइम आ रहा है तो वो लोग माल खरीदने में डर रहे हैं, जो डर वही रहे हैं कि जो सटोरिया सट्टे का काम कर रहे हैं नीचे के अंदर माल लेना चाहते हैं लेकिन नीचे का माल मिल नहीं रहा है। तो ऐसी कुछ स्थिति अफवाहें या इस तरह की ये जो र्यूमर्स हैं या न्यूज हैं, ये ऐसा बाजार का एक हिस्सा होती है। इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्वार इस बार अच्छा पैसा देगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और ये छोटी मोटी जो ये अफवाहें और ये इस तरह से होती है तो इससे मुझे लगता है किसान को परेशान नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा जब हमने 3,500-4,000 के आसपास से ग्वार था तभी बात ऐसी हो रही थी, ऐसा है वैसा है, लेकिन जो वस्तु स्थिति को रख के ध्यान में रख के ट्रेड करेगा वो कामयाब होगा। और एक मैं जो हमेशा कहता हूँ, एक बार पुनः दोहराता हूँ कि अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करोगे तो परेशान होगे भाई जी। यदि आपकी क्षमता भी 1 करोड़ की है और काम 50 करोड़ की करोगे तो आप तुरंत आप बाजार से साफ हो जाओगे। आपकी 1 करोड़ की क्षमता है, 1 करोड़ की क्षमता के अनुसार यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको हारने का मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा, क्योंकि फंडामेंटल ग्वार के बिल्कुल स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, बिल्कुल चिंता करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड ध्यान में रखना चाहिए, क्षमताओं से अधिक काम नहीं करना चाहिए और फंडामेंटल के हिसाब से दिमाग लगा के काम करना चाहिए। एक और मैं कह सकता हूँ कि हमारी रिसर्च फंडामेंटल और एस्ट्रोटेक्निकल के आधार पर है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक, मार्केट की स्थिति और ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर भी स्वयं का अध्ययन करके ही कोई निर्णय लें। ये अखिलेश जी जी, तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि ग्वार में भी घबराने वाली बात नहीं है,
कर्नल अजय जी ने गवार के ऊपर अपनी विशेष राय, अपनी विशेष रिपोर्ट एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपनी टिप्पणी करी थी, जो प्रिडिक्शन करी थी, वो तब कर दी थी जब गवार सीट को कोई पूछ भी नहीं रहा था, 3500-3600 रुपए के भी भाव मुश्किल से देखने को मिल रहे थे। उस समय भी कर्नल अजय जी ने यही कहा था कि गवार सीड में घबराने की बात नहीं है, आगे जाके तेजी जरूर बनेगी और वो तेजी हमने बनती भी देखी है। और यही राय कर्नल अजय जी की अब भी रहेगी कि गवार में घबराने की बात नहीं है, एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक गवार में एक बार फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है।